अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दुनिया जमीयत उलमा हिंद के सदर सैयद मुफ्ती कासिम मोहम्मद जिलानी और नाइब सदर हाजी इरफान शेख पोपट वाले, इनकी तरफ से दुनिया शहर में 26 तारीख से 26 मई 2024 से 9 जून 2024 तक जो उज्जाज कराम हाजी बैतुल्ला के लिए महाराष्ट्र से जा रहे हैं, पूरे इंडिया से जा रहे हैं, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनको नेक ख्वाहिशा देते हैं कि उन्होंने आज हज बैतुल्लाह का सफर के लिए रवानगी इख्तियार की। और हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हज बैतुल्लाह के सफर में आपको कामरानी अता फरमाए, हज मकरूर अता फरमाए, हज मकबूल अता फरमाए। आपको बताते चलूं कि आज 26 तारीख के दिन कुछ फ्लाइट उड़ी है, उसी तरह 27 तारीख के दिन 10 फ्लाइटें हैं, जिसमें दुनिया के कमोबेश 600 हज इकराम जा रहे हैं। 26 तारीख के दिन 10 फ्लाइटें हैं हज बैतुल्लाह के लिए रवानगी के लिए। वो 10 फ्लाइटों में 27 तारीख में जो दुनिया के कमोबेश जो 600 हाजी है उनका जो वहां पर जो बिल्डिंग नंबर दिया है अजीजिया में, वो बिल्डिंग नंबर है 467, मकतब नंबर है 290। और इसी तरह दूसरे जो जज इकराम है इस सफर में जितने लोग भी जा रहे हैं, तमाम लोग को मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका हज मकबूल और मकबूल हो और आपके नेक ख्वाहिशात और तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज मकबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار يا أرحم الراحمين هنا لبناهم كما عافرنا دي يا الله رحمك كرمك عافيتك معاملہ فرما دي يا أرحم الراحمين آپ نے اپنے فضل سے اور کرم سے لاکھوں لوگوں میں ان چند لوگوں کو حج کی سعادت کے لیے قبول فرمایا ہے یہ آپ ہی کا کرم ہے آپ ہی کا فضل ہے یا ارحم الراحمین جب آپ نے ان بندوں کو منتخب فرما ہی لیا تو ان بندوں کی خصوصی مدد فرمائیے، خصوصی فضل کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے حادثات سے مصیبتوں سے بلاؤں سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سفر کے لیے روانگی ہو رہی ہے، عافیت کے ساتھ ان لوگوں کو بیت اللہ تک پہنچا دیجیے، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائیے، حکومتی رکاوٹوں سے ان کی حفاظت فرمائیے، سفر میں خوب خیر و برکت عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ بیت اللہ پہنچنے کے بعد کثرت سے انہیں طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، بار بار بیت اللہ کی زیارت، بار بار حجر اسود کے بوسے کا موقع عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ حج کے ایام خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزار دیجیے، اس حج کو ان لوگوں کے لیے اخلاص کا حج، حج مبرور اور حج مقبول بنا دیجیے، تمام ارکان عافیت کے ساتھ کروا دیجیے، ارکان کے درمیان غلطیوں سے حفاظت فرمائیے، اخلاص کے ساتھ تمام ارکان کرنے کی ان کی توفیق عطا فرمائیے، قدم قدم پر ان تمام احباب کی خصوصی مدد فرمائیے، ان پر رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ مزار اقدس پر حاضری ہو تو اس حاضری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عشق کا ذریعہ بنا دیجیے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے،
बार बार रियाजुल जन्ना में इबादत का मौका अता फरमाई। या अरहमुर रहीमीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने मेरी कब्र की जियारत की, वो मेरी जियारत करेगा। या अरहमुर रहीमीन, इन अहबाब को भी इस जियारत को आखिरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का ज़रिया बना दीजिए। आखिरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों जामे कौसर मिलने का ज़रिया बना दीजिए। या अरहमुर रहीमीन, इस सफ़र के दरमियान इन अहबाब के घर वालों की, ख़ानदान वालों की, अहल आयाल की खुसूसी मदद फरमाइए, खुसूसी उनकी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह, पूरे आलम से जितने हुज्जाज पहुँच रहे हैं, तमाम हुज्जाज की खैर के साथ, आफियत के साथ हज की तकमील का फ़ैसला फरमाइए। तमाम हुज्जाज को हर किस्म के हादसा से महफूज फरमाइए। या अरहमुर रहीमीन, इस साल के हज को पूरे आलम इस्लाम के लिए खैर का, बरकत का ज़रिया बना दीजिए। खुसूसी तौर से फ़लस्तीन के मुसलमानों के मसले का हल होने का ज़रिया बना दीजिए। या अल्लाह, पूरे आलम में जितने मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों के लिए इस साल के हज को खैर का, बरकत का, रहमत का ज़रिया बना दीजिए। या अरहमुर रहीमीन, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हम में जो भी बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाइए, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी का नज़्म फरमाइए, जो औलाद के लिए परेशान हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाइए, जो रिश्तों के लिए तलबगार हैं उन्हें नेक और सालेह रिश्ता अता फरमाइए, जो जिन परेशानियों में मुब्तला हैं उन्हें उन परेशानियों से निजात अता फरमा दीजिए। कि अल्लाह, यहाँ जितने अहबाब हैं, माएँ बहनें हैं, सबके दिलों में तमन्नाएँ हैं बार बार बैतुल्लाह की ज़ियारत को जाएँ, सबके दिलों में तमन्नाएँ बार बार मज़ार अक़दस पर हाज़िरी हो। या अरहमुर रहीमीन, आप बग़ैर असबाब के सबको पहुँचाने पर क़ादिर हैं। अल्लाह, हम सब को बार बार बैतुल्लाह की ज़ियारत का मौका अता फरमाएँ, बार बार मज़ार अक़दस पर हाज़िरी का मौका अता फरमाएँ। या अरहमुर रहीमीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआ मांगी है, उन तमाम में हमारा हिस्सा नसीब फरमाइए, और जितने शुरूर से, फितन से, बुराइयों से पनाह तलब की है, उन तमाम शुरूर से, फितन से, बुराइयों से हम सब की हिफाजत फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।